एनडीए के कार्यकाल में भारत का कुल कर्ज 54.45% बढ़ा है। बढ़े हुए कर्ज में सबसे ज्यादा तेजी से देश का इंटरनल डेट यानी सरकारी सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स पर कर्ज बढ़ा है। एनडीए सरकार के सत्ता संभालने के बाद से अब तक भारत का कुल कर्ज 54.45% बढ़ चुका है। वित्त वर्ष 2019 की दूसरी तिमाही में भारत का कुल विदेशी कर्ज 82 लाख करोड़ रुपए रहा। इसमें 67 लाख करोड़ रुपए इंटरनल डेट है, 5.25 लाख करोड़ रुपए एक्सटर्नल डेट यानी विदेश से लिया हुआ कर्ज है और 8.80 लाख करोड़ रुपए अन्य कर्ज है। 2014 के जनवरी से मार्च तिमाही यानी UPA 2 के कार्यकाल के अंत में देश का इंटरनल डेट 42.40 लाख करोड़ रुपए था, जो अब 60.28% बढ़कर 67.96 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। और इस दौरान भारत का विदेशी कर्ज 4.12 लाख करोड़ रुपए से 27.42% बढ़कर 5.25 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, जिसके कारण भारत का कुल कर्ज 53.11 लाख करोड़ रुपए से 54.45% बढ़कर 82 लाख करोड़ रुपए पहुँच चुका है। इन्हीं कर्ज का नतीजा है कि भारत का बजट अक्सर आधे साल में ही खत्म हो जाता है और वित्तीय घाटा फिर से अपने निर्धारित लक्ष्य को पार कर जाता है। इन कर्जों से निजात पाने के लिए भारत निर्यात को बढ़ाकर व्यापार घाटे को कम करके खुद के लिए वित्तीय सहायता उत्पन्न कर सकता है, पर भारत का निर्यात पिछले 5 साल में एक बार भी 2013 का स्तर नहीं छू पाया है। इसके ऊपर टैक्स कलेक्शन का भी लक्ष्य से कम होना सरकारी राजस्व पर और बोझ डाल रहा है, जिससे फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था पर इन कर्जों का दबाव कम होता नहीं दिख रहा है। सम्राट शर्मा, गो न्यूज़।